गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताते हैं। मेनली रिवर्स ऑफ इंडिया को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, पहली हिमालयन रिवर एंड सेकेंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ओल्डर देन हिमालय एंड यंगर देन हिमालय। ओल्डर देन हिमालय में इंडस रिवर सिस्टम एंड यंगर देन हिमालय में गंगा रिवर सिस्टम आता है। एंड इसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स में ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। सो सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर इज मेनली ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत। मेनली ये तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक एंड इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर लॉन्ग, किसी किसी बुक में 2900 किलोमीटर भी दिखाते हैं इसकी लेंथ। एंड इट फ्लो बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंजेस। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इट इज कॉल्ड सेंगे खवाब इन तबा तिब्बत। तिब्बत में मेनली हम इसको सेंगे खवाब के नाम से भी पुकारते हैं। सो अब मैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आते हैं। यू कैन ईजली सी बाई द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट इंडस की मेनली लेफ्ट हैंड साइड से इसकी ट्रिब्यूटरी में झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज एंड राइट हैंड साइड में गिलगिट, सियोक, नुब्रा रिवर आती हैं। सो यू कैन ईजली रिमेम्बर द नेम ऑफ पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट हैंड साइड की मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसके अलावा इनके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। सो देयर इज शॉर्ट ट्रिक इन जनवरी कॉलेज रन वेरी स्लो इन मीस इंडस। जनवरी मीस झेलम, कॉलेज मीस चेनाब, रन रावी, वेरी कवि से ब्यास, स्लो से सतलज। इस तरह से एक इंडस रिवर एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो तीन रिवर का पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है, तीन रिवर का पानी इंडिया यूज कर सकता है। इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई और रावी, ब्यास, सतलज इंडिया के हिस्से में। इस तरह से बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी की, पहली झेलम रिवर की। झेलम का मेनली प्राचीन नेम बितास्ता। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बैरीनाग स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। इसके बाद बात करते हैं चेनाब रिवर की। चेनाब जिसका की प्राचीन नेम अस्किनी। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रभागा स्ट्रीम इन हिमाचल एंड प्रदेश। बगली हार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। एंड देन बात करते हैं रावी रिवर की। रावी जिसका की प्राचीन नेम परसनी। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम कुल्लू हिल्स, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये ऑरिजिनेट होती है। रंजीत सागर डैम जिसका की एक और नाम थेनिन डैम इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। एंड देन बात करते हैं ब्यास जिसका की प्राचीन नेम बिपासा। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा इन हिमाचल एंड प्रदेश। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि लॉन्गेस्ट इरीगेशन कैनाल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे लंबी इरीगेशन कैनाल इस रिवर पर सिचुएटेड है। पोंग रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रिवर। इसके बाद बात करते हैं सतलज रिवर की जिसका की प्राचीन नेम सतुद्री। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम रक्स ताल नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत से निकलती है। फेमस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सकी काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर, जैसे कि गोविंद सागर डैम के नाम से भी पुकारते हैं। नाथवा झकरी हाइड्रो पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन हिमाचल एंड प्रदेश, आल्सो ऑन दिस बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। सतलज को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड से मेनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। गिलगिट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान से आती है। सियोक ऑरिजिनेट फ्रॉम लद्दाख रेंज एंड नुब्रा जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। एंड जैसा कि पहले अर्लियर आई एम इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, जिसमें कि तीन नदी पानी रावी ब्यास सतलज तीन नदी का पानी भारत यूज कर सकता है और चेनाब झेलम इंडस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान यूज कर सकता है। इसके अलावा ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि इंडिया कैन आल्सो यूज 20% ऑफ टोटल डिस्चार्ज, जो नदी जो कि पाकिस्तान को दी गई है उसका भी 20% पानी भारत भी यूज कर सकता है। इस तरह से इंडस रिवर सिस्टम ख़त्म होता है। थैंक यू।
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो,